कभी भी कुछ भी हो जाए ना, तो अतुल का ई रिक्शा मत लीजिएगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि मत लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लाइन पर रहिएगा। सर्विसिंग के बाद ना मेरा ये चारों तीन नट खुल गया था, तो हम जो बंदा को भेजे थे तो बोला कि भाई कि अगर मेरा गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता, तीन नट खुल गया था, तुम लोग सर्विसिंग के बाद ना टाइट कह नहीं किए, तो लोग फ्री में दिया। लेकिन जब एक बार एक नट ये खुल गया था, ये वाला नट है ना, तो नट हम लेने गए सर्विस में सिंगल वाला, तो हमसे 150 रुपये ले लिया। और हम पूछे थे एक नट का 150 रुपये भाई, वो 10 रुपये का नट ले लिया हमसे 150 रुपये। सोच लीजिए 15 गुना ज़्यादा। इसलिए अतुल का ई रिक्शा मत लीजिए, और गलती से खरीद भी लिया है तो उसका सर्विस सेंटर में सर्विस मत कराइए, बाहर करवाइए। और उसने मुझे कहाँ ठका ये भी बताता हूँ, रुकिए। सब ये एस्केलेटर, ये जो रिवर्स वाला बटन है, ये एक बार ना बैक ही थे तो बैक ही हो गया था, तो वायरिंग प्रॉब्लम था, उसको लगाने गए